सौरमंडल और सौरमंडल की जानकारी। इस ब्रह्मांड में कई सौरमंडल हैं और हर सौरमंडल में कई ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में आधिकारिक तौर पर 8 ग्रह ही हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस होती है। आइए सीखिए सौरमंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, बुध ग्रह मर्क्यूरी। बुध 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। बुध एक स्थलीय ग्रह है जिसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का मात्र 1% है। सौरमंडल में बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। बुध सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है, इसीलिए यह सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह वीनस। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह 224 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह का तापमान आमतौर पर 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड बादल की तरह बिछा हुआ है। शुक्र ग्रह की सतह पर पहाड़, घाटियां और सैकड़ों ज्वालामुखी भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र की जलवायु पृथ्वी के समान रही होगी और ग्रह पे बड़ी मात्रा में पानी या महासागर रहे थे। हालांकि अत्यधिक तापमान व ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यह पानी बहुत पहले उबल गया था और जीवन के शत्रु बन गए। पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी मानव और अन्य लाखों प्रजातियों का भी घर है और साथ ही ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहां जीवन पाया जाता है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन लंबा होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान इसकी धुरी में झुकाव पैदा होता है जिसके कारण ही ग्रह की सतह पर मौसम बदलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे भी आते हैं। मंगल ग्रह मार्स। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी की लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोंस मंगल पर ही स्थित है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना भी है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। प्लीज कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। बाकी ग्रहों की जानकारी के लिए अगला वीडियो देखिए।